हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑटो डायरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हुंडई क्रेटा 2018 फेसलिफ्ट मॉडल के एमआईडी डिस्प्ले में क्या क्या चेंजेस करे गए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो कुछ इस तरीके का हमें कंसोल मिलता है। राइट साइड में मिलता है हमें स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड में दिया गया है हमें आरपीएम मीटर और सेंटर में मिलती है हमें एमआईडी डिस्प्ले। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर हमें कुछ नोटिफिकेशन लाइट दी गई है, तो सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दी गई है हमें ये हैंड ब्रेक की लाइट, उसके बाद हमें मिलता है बैटरी की, देन उसके बाद हमें फ्यूल इंडिकेटर दिया गया है, उसके बाद हमें एबीएस और एयरबैग की लाइट मिलती है, बट अभी वो शो नहीं हो रही है। उसके बाद ये जो आप येलो लाइट देख रहे हो, ये इंजन की लाइट होती है। अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम होती है तो लाइट ब्लिंक करती है, और उसके ऊपर हमें मिलती है सीट बेल्ट की लाइट। तो ये कुछ इंडिकेशन हमें मिलते हैं। और जैसे कि हम हेडलाइट ऑन करते हैं तो आप देख सकते हो ऊपर ग्रीन कलर का हेडलाइट का सिंबल आ गया है। इंडिकेटर हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे इंडिकेटर का सिंबल आ गया। तो और ये कुछ हमें और एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा लाइट मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं हमारी एमआईडी डिस्प्ले की। तो हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट मॉडल की एमआईडी में कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि डिस्टेंस टू एमपीटी फंक्शन इसमें ऐड किया गया है, एंड अपनी एवरेज स्पीड एंड एवरेज गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, ये तीन फंक्शन फेसलिफ्ट मॉडल में ऐड करे गए हैं। तो एमआईडी डिस्प्ले में हमें राइट हैंड मिलता है फ्यूल मीटर, लेफ्ट हैंड में हमें मिलता है इंजन टेम्परेचर मीटर, और सेंटर में हमें दी गई है डिजिटल स्पीडोमीटर। उसके नीचे हमें मिल जाता है ट्रिप ए, ट्रिप ए के नीचे दिया गया आउटसाइड टेम्परेचर और टोटल किलोमीटर। देन उसके बाद हमें एक ट्रिप बी का ऑप्शन मिल जाता है, और उसके बाद हमें ये दिया गया है डिस्टेंस टू एमपीटी, मतलब रिमेनिंग फ्यूल में कितना किलोमीटर गाड़ी चलेगी, ये भी हमें इसमें पता चल जाता है। ये फंक्शन अभी 2018 मॉडल में ऐड किया गया, पहले ये पुरानी क्रेटा में नहीं आता था। उसके बाद हमें मिल जाता है एवरेज, हमारी गाड़ी ने लास्ट ट्रिप में कितना एवरेज दिया है। एवरेज डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग पे और आपके एरिया पे, आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो या हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो। उसके बाद हमें मिल जाता है हमारी एवरेज स्पीड, की गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या रही है, जैसे कि मेरी 19 थी। उसके बाद हमें अपनी टॉप स्पीड दिखी जाती है कि आपने लास्ट गाड़ी टॉप स्पीड गाड़ी की आपने भगाई हुई है। बस यही कुछ फंक्शन है हमारी एमआईडी डिस्प्ले में जो 2018 मॉडल में ऐड करे गए हैं। ये तो बात हो गई एमआईडी की, अब कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन की बात करते हैं। जैसे कि अभी गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं है और मैंने गेट खोला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कार बनी आ गई है, यहाँ पे इंडिकेशन आ गया कि आपका गेट ओपन है। जैसे ही अगर हम इसी तरह से अगर हम बूट ओपन करते हैं तो यहाँ पे बूट का इंडिकेटर आ जाता है कि आपका बूट ओपन है। बूट ओपन कर तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने डिक्की ओपन करी तो यहाँ पे सिंबल आ गया कि आपका बूट ओपन है। तो ये कुछ फंक्शन भी हमें इसमें मिल जाते हैं। तो जैसे ही बूट बंद किया तो ये सिंबल चला गया। अब हम अपनी इग्निशन ऑफ कर देते हैं, हमने अपना इग्निशन ऑफ कर दिया कि जब हम अपनी की निकाल देते हैं गाड़ी में से, उसके बाद भी अगर हम गेट ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल किलोमीटर और आपके गेट ओपन है उसका सिंबल शो होता है। और जैसे हम इसमें की लगाएंगे तो आपको एक आवाज सुनाई दे रही होगी, ये अलार्म बजने लग जाता है कि आपका गेट ओपन है। तो जैसे ही मैं अपना गेट बंद करूंगा ये भी बंद हो जाता है। तो चलिए अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एमआईडी शो करती है। ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो देखिए जैसे कि इसमें नोटिफिकेशन जो लाइट ऊपर थी वो सारी लाइट गायब हो चुकी है, क्योंकि हमारी गाड़ी की बैटरी भी ओके है, इंजन भी ओके है। एक नोटिफिकेशन लाइट आ रही है सीट बेल्ट की, क्योंकि मैंने सीट बेल्ट इस टाइम नहीं लगा रखी है, और एक आ रहा है हैंड ब्रेक का। जैसे ही मैं अपना हैंड ब्रेक रिलीज करता हूँ तो देखिए हैंड ब्रेक का साइन भी चला गया है। फिर से हम हैंड ब्रेक लगाते हैं, हैंड ब्रेक का साइन आ गया। तो बस यही कुछ चेंजेस थे क्रेटा ने अपने फेसलिफ्ट मॉडल में चेंज करे हैं एमआईडी में। आज की वीडियो में बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।